विश्व मधुमेह दिवस पर आज SNH हॉस्पिटल से मिर्जा हाजीपुरा तक निकाली गई जागरूकता पदयात्रा, निशुल्क शिविर में 98 लोगों की हुई जांच, संगोष्ठी में साझा किए गए अपने विचार। मधुमेह रोग का प्रभाव सभी वर्गों में तेजी से बढ़ रहा है। अनियोजित दिनचर्या के कारण युवाओं में इसकी स्थिति घातक रूप से बढ़ रही है। नियमित योग व व्यायाम के साथ संतुलित भोजन पर ध्यान देना होगा। शराब, धूम्रपान जैसी आदतों से युवाओं को बचना होगा। वजन कम होना, लगातार पेशाब आना, शरीर में सुस्ती रहना मधुमेह के लक्षण है। सावधानी ही बचाव है। यह बातें डॉक्टर संजय सिंह ने विश्व मधुमेह दिवस पर आज आयोजित जागरूकता पदयात्रा, निशुल्क जांच एवं संगोष्ठी कार्यक्रम में बताई। वहीं शारदा नारायण हॉस्पिटल के नेतृत्व में आयोजित पदयात्रा रोडवेज सदर चौक संस्कृत पाठशाला होते हुए मिर्जा हादीपुरा चौक तक निकली। यहां पर आयोजित संगोष्ठी में विभिन्न संगठन व समाज सेवियों ने अपना अपना विचार भी व्यक्त किया है। मैसेज देने की जरूरत दिवस के अवसर पे 14 नवंबर को पूरी दुनिया में विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। आज रोटरी क्लब मऊ, शारदा नारायण हॉस्पिटल, शारदा नारायण नर्सिंग इंस्टीट्यूट, लायंस क्लब मऊ और मऊ क्रिकेट संघ, सभी संगठन मिलकर आज एक वॉक फॉर डायबिटीज का आयोजन किया गया। आपको पता है डायबिटीज एक महामारी का रूप ले रही है, जिसमें कि अगर लोग चलना बंद कर दिए हैं, लोग अपना गाड़ियों से चल रहे हैं, कोई पैदल नहीं चलना चाह रहा है, तो एक हम लोग समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप सुबह टहलते हैं, आधा घंटा आप टहलते हैं, तो अपने आप को फिट कर देंगे, आपकी जो एनर्जी होगी, कैलोरी होगी, वो फिट होगी, आप बीमारियों से बचेंगे। उसी मैसेज के तहत आज ये सारे संगठन मिलके हम लोग वॉक फॉर डायबिटीज़ का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे रोटरी क्लब के अध्यक्ष रोटेरियन अजीत सिंह, हमारे सेक्रेटरी सौरभ पटवाल, सारे रोटेरियन, हमारे डॉक्टर खाली और डॉक्टर शेख तिवारी, सारे मौजूद हैं। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे छोटे भाई सुजीत सिंह, तो ये सारे लोग पूरा पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट से, साधन हॉस्पिटल के जो लोग उन्होंने इस प्रोग्राम में शामिल हुए, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लाइफ क्लब सारा संगठन हमेशा सहयोग करता है, ये क्योंकि एक आयोजन ऐसा आयोजन है जिसमें लोगों को जागरूक करना, और आप ही हम लोग चले नहीं चल के वहाँ पर एक कैंप होगा जिसमें शुगर की जाँच होगी, सांस की जाँच होगी और तमाम जाँच करके लोगों को जागरूक किया जाएगा। से मैं डॉक्टर एकीकर सिंह, बांसपन स्त्री रोग विशेषज्ञ शारदा नारायण हॉस्पिटल, और आज वर्ल्ड डायबिटीज डे पे हम आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहने के लिए नियमित एक्सरसाइज और व्यायाम करें, और जिसका सबसे साधारण और सरल तरीका है कि आप वॉक करें। अगर आप हफ्ते में 5 दिन भी कम से कम 2 से 3 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक करते हैं, तो आपके डायबिटीज होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, खासतौर से महिलाओं को, क्योंकि प्रेगनेंसी में उनको बहुत बार शक्कर की बीमारी होने का डर रहता है। तो जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, जितना आप वॉक करेंगे, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ के चांसेस कम होंगे और आपकी उम्र भी कम लगेगी। सो विश यू अ हैप्पी डायबिटीज। स्वस्थ रहें, ध्यान रखें और नियमित रूप से व्यायाम सिंपल तरीका। आज शारदा नारायण हॉस्पिटल की तरफ से और सोसाइटी ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन इंडिया, रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, जिला क्रिकेट संघ, स्टेडियम और तमाम संगठन, सेवा भारती, तमाम संगठनों के सहयोग से शारदा नारायण हॉस्पिटल की इस मुहिम को हम लोगों ने सफल बनाने में कामयाब रहे। और इसके पीछे मकसद हम लोग का ये है कि हम लोग जो अपनी लाइफ स्टाइल बदलती जा रही है, हम लोग आलस्यपूर्ण जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं, उसको बदलना होगा। और रोज़ सुबह उठ के हम लोगों को कम से कम आधे घंटा अपने लिए देना होगा, व्यायाम करना होगा, योगा करना होगा और डेली टहलना होगा, जिससे कि हम लोग डायबिटीज़ से बच सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को पेशाब ज़्यादा हो रही है, भूख ज़्यादा लग रही है, वजन कम हो रहा है,
आँख की रोशनी में कोई असर पड़ रहा है, तो अगर ऐसे कोई भी लक्षण आते हैं तो फौरन अपने शुगर को चेक कराना चाहिए और डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि यही संदेश लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि कोई भी लक्षण हो तुरंत अपना जांच कराइए और साथ ही साथ डेली प्रतिदिन आधे घंटे टहलिए, योगा करिए, व्यायाम करिए और हरी सब्जियों का सेवन करिए, तनाव को कम करिए, साथ ही साथ जो नशा है उसको भी धूम्रपान को कम करिए, शराब का सेवन कम करिए। ये सब करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो हमारा परिवार और समाज स्वस्थ रहेगा। इसी संदेश को लेकर डॉक्टर संजय सर के नेतृत्व में शारदा नारायण हॉस्पिटल और तमाम संगठनों ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया है और उम्मीद करते हैं कि आगे ये मुहिम हम लोग की चलती रहेगी। और आज यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए, काफ़ी लोगों की शुगर और बीपी की जांच और ट्राइग्लिसराइड की जांच हो रही है, जिससे कि सब लोग लाभ उठाएंगे और जागरूक होंगे। धन्यवाद। आज के समय में प्रदूषण का प्रकोप ज़्यादा बढ़ रहा है।